जल्दबाजी नहीं है कोई भी, आप अच्छे से और आराम से इस पर काम कीजिए। आखिरकार मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश से किस बात को लेकर ये बातें कही हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या के बाद मुकेश सहनी काफ़ी ज़्यादा भावुक है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ सीएम ने भी मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत की है और बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके पिता के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी उन्हें सजा भी दी जाएगी। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है, उस खबर में ये बातें हो रही हैं कि मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार से किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी करने को नहीं कहा है। सहनी ने अपने पिता की हत्या जीतन सहनी के मामले को लेकर पुलिस की जांच पर संतोषजनक बातें कही हैं। चाहते हैं कि आनन फानन में कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, मगर जो आरोपी है उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सहनी ने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मीडिया से ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने पिता की हत्या के इस तरह से गांव में हो जाएगी उन्होंने कभी सोचा नहीं था। पिताजी गांव में रहना चाहते थे और इसी कारण वे वहीं रहते थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, गांव में उन्हें प्रेम था। एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने कहा है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, उन्होंने पुलिस जांच पर संतोष जताया और कहा कि पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री के साथ पक्ष विपक्ष के नेता उन्हें फोन पर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि जो गुनहगार है उसे जल्द से जल्द और कठोर सजा मिलनी चाहिए। अपराधी किसी तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवाल में उन्होंने कहा है कि विपक्ष का धर्म है कमियों को सरकार को बताना। उन्होंने पिता द्वारा ब्याज पर पैसे देने की खबर से भी इनकार करते हुए कहा कि ऐसी सूचना मुझे नहीं है। हाँ, उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को पैसे उधार दिए हैं और लेते थे, जिसके बाद उन्हें वो लौटा दिया करते थे। तो एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी ने अपने पिता की मौत को लेकर ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पिता की किसी से दुश्मनी नहीं थी, गुनहगार को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पिता ब्याज पर पैसे देते थे या नहीं देते थे इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी रहती थी कि उनके पिता ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और फिर जिन लोगों को वो पैसे देते थे वो लोग उन्हें पैसे वापस कर देते थे। साथ ही साथ मुकेश सहनी से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर मुकेश सहनी ने कहा है कि विपक्ष अपना काम कर रही है और विपक्ष को बिहार में या फिर किसी भी राज्य में कैसी स्थिति है उस स्थिति को लेकर गंभीर तरीके से सरकार पर सवाल उठाने का हक भी है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी के पिता की हत्या दरभंगा में कर दी गई, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। अचानक सुबह मंगलवार को इस बात की जानकारी मिलती है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके बाद मुकेश सहनी मुंबई से आनन फानन में दरभंगा पहुंचते हैं और उनके पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन जब मुकेश सहनी से सवाल किया गया उनके पिता की हत्या को लेकर, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि पुलिस जाँच में जुटी हुई है और मैं नहीं चाहता किसी निर्दोष को सजा मिले, लेकिन हाँ, जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाए और उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये बात की भी जानकारी दी कि सीएम नीतीश कुमार हो या फिर तमाम जितने भी सरकार के नेता हो, वो लगातार उनकी से फोन कॉल पर बातचीत कर रहे हैं, उन्हें संवेदना दे रहे हैं और उन्हें इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं कि जो गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे हर जो है सजा जो है वो दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।